विजयनगर जिले में प्राथमिक विद्यालयों को अब 73 नए टीचर मिल गए हैं। दो दिन से जारी काउंसलिंग के बाद आज उन्हें नियुक्ति प्रमाण पत्र जिला वैसी शिक्षा अधिकारी द्वारा दिया गया। नियुक्ति पत्र पाकर नए शिक्षक और शिक्षिकाएं काफी खुश है। आपको बताते चले कि 2017-2018 में उत्तर प्रदेश में निकाली गई 12,460 शिक्षक पदों की भर्ती प्रक्रिया कुछ वजह से रुक गई है। अब कानूनी मामले सुलझने के बाद पदों की भर्ती को लेकर काउंसलिंग पिछले दिनों शुरू हुई थी। सिद्धार्थनगर जिले में भी 302 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग होनी थी, जिसको लेकर अभी 89 लोगों की काउंसलिंग पिछले दिनों हुई, जिसमें से 73 शिक्षक और शिक्षिकाओं के कागजात पूरी तरह दुरुस्त मिलने के बाद उन्हें आज नियुक्ति पत्र जिला वैसी शिक्षा अधिकारी द्वारा वितरित किया गया। नियुक्ति पत्र मिलने के बाद सरकारी शिक्षक के रूप में कार्य करने के लिए तैयार शिक्षक शिक्षिकाएं काफी खुश है। उनका कहना है कि आज 6 साल के बाद उन्हें उनका मनचाहा जॉब मिल रहा है, जिससे वह काफी खुश है। उन्हें यकीन नहीं हो रहा है कि उनका सपना सच साबित हो रहा है। नियुक्ति प्रमाण पत्र मिलने पर सारे शिक्षक शिक्षिकाएं सरकार को शुक्रिया अदा करते हुए अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहने की बात कह रही हैं। वहीं इस नियुक्ति को लेकर जिला वैसी शिक्षा अधिकारी देवेंद्र कुमार पांडे ने कहा कि 2017-2018 की 12,460 की जो भर्ती प्रदेश सरकार में निकली हुई थी, न्यायालय के रोक के बाद सिद्धार्थनगर जिले में 29 दिसंबर को काउंसलिंग शुरू की गई थी, जिसमें कुल 89 लोगों की काउंसलिंग हुई, जिसमें 2 फर्जी शिक्षक पाए गए जिन्हें पुलिस के हवाले कर दिया गया। बाकी 14 अभ्यर्थियों के खिलाफ विभिन्न तरह की जांच चलने की वजह से उनकी काउंसलिंग पूरी नहीं हो सकी है। बाकी बचे 73 शिक्षकों को उनके कागजों के जाँच के बाद आज उन्हें नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जल्दी इन लोगों को वरीयता के आधार पर स्कूल भी अलर्ट कर दिया जाएगा। मेरा नाम प्रियंका जायसवाल है, मैं गोरखपुर की रहने वाली हूं। मैम, आज आप लोगों को नियुक्ति पत्र मिला है, 2017-18 की नियुक्ति थी, कुछ क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है, और यहां के जो BSC सर हैं उनका बहुत सपोर्ट रहा है, और बहुत जल्दी जल्दी उन्होंने हम लोग को नियुक्ति पत्र देने का वो प्रक्रिया किया, तो बहुत अच्छा लग रहा है। 6 साल बाद हम लोगों को नौकरी मिल रही है, तो बहुत अच्छी फीलिंग हो रही है कि हाँ, और ये मेरा ड्रीम रहा है। मैं शुरू से ही टीचिंग उस पर थी, मैंने BTEC किया है, BTEC के बाद BTC किया, BTC के बाद जो मैंने पिलर्स में पढ़ाया भी, जब ज्वाइनिंग नहीं हुई तो पिलर्स में मैंने स्टार्ट किया था, फिर फाइनली ये गवर्नमेंट जॉब पा के बहुत खुशी हो रही है। मैं सना खान प्रतापगढ़ जिला की हूँ, और 7 साल बाद मुझे जो है 12,460 में नियुक्ति पत्र मिल रहा है। बहुत ही बहुत ज़्यादा जो है BSA सर और योगी जी का अभिनंदन करती हूँ। पांडे है, मैं सिद्धार्थनगर जिला का निवासी हूँ। 7 साल बाद हमारी वैकेंसी आज कंप्लीट हुई है। 2018 से ये लटकी पड़ी हुई थी, आज हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। काफ़ी हाई कोर्ट में बहुत ज़्यादा संघर्ष किया, काफ़ी संघर्ष करने के बाद आज ये दिन हम लोगों को देखने को मिला है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि 12,460 की भर्ती जो 2017 में आई थी, माननीय न्यायालय के आदेश के क्रम में इस समय काउंसलिंग 29 तारीख को कराई गई थी, और 30 तारीख को उसका सब चेक करके और आज नियुक्ति पत्र वितरित किया गया है। हमारे जनपद में कुल 89 लोगों ने काउंसलिंग कराई थी, जिसमें 2 लोग, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि फर्जी पाए गए और उनको जेल भेजा गया। 2 को घटाने के पश्चात 73 आहर पाए गए हैं, उन लोगों को नियुक्ति पत्र आज दिया गया है, और शेष 14 लोग का भी होल्ड रखा गया है। उसमें कुछ समस्याएं हैं, कुछ लोगों का STF जांच कर रही है, उनके आवेदनों की संदिग्ध पाए गए हैं। कुछ लोगों का CTET या TET या हाई स्कूल इंटर में कोई चीज़ ऑनलाइन वेरीफाई नहीं हो पाया है, तो उन लोगों को भी होल्ड रखा गया है, उनका ऑफलाइन वेरीफिकेशन कराएंगे हम लोग। अगर वो सही पाएंगे तो उनको नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा, अन्यथा की सेवा समाप्त करते हुए FIR कराई जाएगी। सर, 73 लोगों को आज नियुक्ति पत्र दिया गया, उनको विद्यालय वगैरह आवंटित हुआ है? जी बिल्कुल, अभी आवंटन नहीं हुआ है विद्यालय का। विद्यालय स्टेट स्तर से हमारे जो एकल बंधित विद्यालय हैं उनको खोला जाएगा, और सबको ऑनलाइन स्कूल चयन का पूरा मौका दिया जाएगा। सबसे पहले दिव्यांग महिलाओं को मौका दिया जाएगा, फिर दिव्यांग पुरुषों को, फिर सभी महिलाओं को, फिर पुरुषों को। इस क्रम से सभी लोग अपने च्वाइस से विद्यालय लेंगे। क्योंकि अभी कुछ कैटेगरी के जो थे उसको होल्ड रखा गया है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि जो पिछली बार हुई थी 334 लोगों का कराया गया था, उसमें 18 पद जो भूतपूर्व सैनिक के हैं, 19 पद के सापेक्ष केवल एक अभ्यर्थी मिला था, तो उस 18 पद को जनरल OBC SC तीनों वर्गों में 18 पद होल्ड कर लिया गया था।
इसी कारण ये अभी कम नियुक्ति हुई है और आगे अब सेकंड काउंसलिंग में इसको पूरा किया जाएगा। सेकंड काउंसलिंग कब तक होगी? अब वो शासन स्तर से ही निर्णय होगा।